बीए बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, पेपर वन, यूनिट वन हम स्टडी कर रहे थे राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़ रहे थे ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंतर्गत हमने स्टडी की थी ऑब्जर्वेशन मेथड, या हम कह सकते हैं इंडक्टिव मेथड्स, और डिडक्टिव मेथड में हमने स्टडी की थी, और इंडक्टिव मेथड में हमने पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, या जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड, हमने कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे दो महत्वपूर्ण पद्धतियों की, ऐतिहासिक पद्धति और दूसरी तुलनात्मक पद्धति, कि राजनीतिक विज्ञान में ऐतिहासिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति की क्या उपयोगिता है, और इसका उपयोग जो है वो किन किन राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ऐतिहासिक पद्धति। देखिए, ऐतिहासिक जो कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये इतिहास से संबंधित कोई पद्धति होगी, तो इसके अंतर्गत जो है गिलक्राइस्ट ने लिखा है इस पद्धति के बारे में कि इतिहास न केवल संस्थाओं की व्याख्या करता है, वरन यह भविष्य के पथ प्रदर्शन हेतु निष्कर्ष प्राप्त करने में भी सहायक होता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राजनीतिक विज्ञान की आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ही प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ऐतिहासिक पद्धति जो होती है वो एक सिर्फ किसी संस्था की स्टडी मात्र नहीं है, कि हमने कोई, हमारे पास में कोई संस्था है पुरानी या किसी भी तरीके की जो संस्था है उसकी हमने सिर्फ उसकी स्टडी कर ली है, जबकि भविष्य में होने वाले, इसका जब निष्कर्ष प्राप्त होता है तो भविष्य में होने वाले जो भी कार्य हैं या उस संस्था से संबंधित किसी भी तरीके की कोई आवश्यक चीज़ें हैं उनका पथ प्रदर्शन करने में भी ऐतिहासिक पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और राजनीतिक विज्ञान में भी इसकी बहुत उपयोगिता है। देखिए, ऐतिहासिक पद्धति की इस उपयोगिता के कारण ही अरस्तु के समय में से इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक पद्धति भविष्य के पथ प्रदर्शन हेतु निष्कर्ष प्राप्त करने में भी सहायक है। इसलिए लास्की, मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, कॉलमास, मार्क्स, मैक्स वेबर, कामटे, हर्बर्ट स्पेंसर और मॉर्गन, इन सभी ने किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक पद्धति को उपयोग में लिया है। ये पद्धति जो है वो हमें अतीत में झांकने की सहायता करती है, और अतीत के इस आलोक में हम भविष्य के पथ प्रदर्शन के लिए निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लास्की के इस अर्थ में कहते हैं कि संपूर्ण राजनीतिक इतिहास का ही दर्शन है। यह पद्धति हमें बतलाती है कि राजनीतिक घटनाएं असंबद्ध रूप से घटित नहीं होती, वरन एक न टूटने वाली श्रृंखला के रूप में आती है। यह महान राजनीतिक आंदोलन और विचारों की खोज है। पूर्व ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं और उनके विचारों की खोज करती है, एवं वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं और विचारों की प्रामाणिकता का परीक्षण करने के योग्य भी बनाती है। तो हमने देखा कि राजनीतिक ऐतिहासिक जो पद्धति है, इस ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक घटनाएं होती हैं, और जो राजनीतिक तथ्य, जो पुराने जो राजनीतिक आंदोलन है, पुराने जो राजनीतिक इतिहास है, जो उनका उनके विचार थे, उन सबको खोज करती है ऐतिहासिक पद्धति। और वहीं पर खोज के साथ साथ में ये जो पूर्व ऐतिहासिक तथ्यों को आधार बनाती हैं और वर्तमान में जो राजनीतिक संस्थाएं हैं और जो उनके विचार हैं उनको खोजती है, एवं वर्तमान की जो राजनीतिक संस्थाएं और जो विचार है उसकी प्रामाणिकता का भी परीक्षण करने योग्य बनाने में ऐतिहासिक पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत हमने देखे कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है, और इस पद्धति की जो सीमाएं हैं, जहां इतने गुण हैं उसमें उनकी सीमाएं भी हैं। सीमाएं इस प्रकार से है कि किंतु ऐतिहासिक पद्धति की कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसके कारण सिजविक, राइस, बार्कर और सीले ने इस पद्धति को गौण स्थान दिया, प्रधान नहीं देके गौण स्थान उन्होंने दिया है, मतलब दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान इसको नहीं दिया है। उनके अनुसार ये है कि प्रत्येक समस्या का कुछ विशेष तात्कालीन परिस्थितियों का परिणाम होती है। मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि कुछ हम सभी चीजें जो ऐतिहासिक
राजनीतिक आंदोलन में और उनके विचारों से ही हम उन तथ्यों की खोज करके